झांसी में बोरवेल में गिरे मासूम को निकाला गया, डॉक्टरों की टीम ले गई अस्पताल। कल खेलते वक्त बोरवेल में गिरा था 5 साल का निखिल। विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी, 45 महिला प्रत्याशी उतारने का ऐलान। 6 चरणों में चुनाव को बताया साजिश, आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। सुकमा के किस्ता ग्राम में नक्सलियों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ खत्म, 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 3 जवान शहीद, 16 जख्मी, 6 की हालत गंभीर। बुंदेलखंड पर जागी यूपी सरकार, सीएम अखिलेश ने किया राहत पैकेज का ऐलान, 7 जिलों में चलाई जाएगी योजना, विपक्ष ने योजना को लेकर उठाए सवाल। यूपी की यूनिवर्सिटीज में झंडा फहराने की तैयारी, राज्यपाल ने स्मृति ईरानी को लिखी चिट्ठी, केंद्र से मांगे दिशा निर्देश। उत्तराखंड के जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनी झीलें बन सकती हैं खतरे का सबब, वैज्ञानिकों ने झीलों के भाप से बने बादलों से क्लाउड बर्स्ट का बताया खतरा। श्रीनगर में वक्त से पहले खिले ट्यूलिप के फूल, वादी गुलजार होने से सैलानी खुश, लेकिन जानकार चिंतित, ग्लोबल वार्मिंग को बताया जिम्मेदार।